किसी ने मुझसे बराह रास्त एनआरओ नहीं मांगा, सबको मालूम है करप्शन केसेस पर समझौता नहीं करूंगा। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं अपोजिशन जितना मर्जी शोर मचा ले एनआरओ नहीं मिलेगा। एहतजाज की कोई परवाह नहीं, मुआशी समत का तायुन कर दिया। अराकीन पार्लियामेंट टैक्स के लिए आगाही मुहिम चलाएं। पार्लिमानी पार्टी इजलास की खबरें लीक होने का नोटिस, वजीर आजम ने इजलास में मोबाइल फोन लाने की पाबंदी लगा दी। अरकान असेंबली के वजीर आजम से शिकवे, खवातीन के साथ नरमी करने की हिदायत, हैंड बैग लाने की इजाजत। नंदीपुर पावर रेफरेंस में बाबर एवान और रियाज कयानी बरी हो गए। एहतसाब अदालत ने बरीयत की दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। राजा परवेज अशरफ और दीगर दो मुल्जिमान की दरख्वास्तें मुस्तरद। एपीसी हर हाल में कल 26 जून को ही होगी, मौलाना फजल रहमान डट गए। मुख्तलिफ रहनुमाओं की मौलाना को एपीसी की तारीख में तब्दीली का मशवरा, एपीसी से हुकूमत मजीद प्रेशर में आएगी, मौलाना का जवाब। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरियाल तारपुर की सिंध असेंबली आमद, जीए भुट्टो जीए बीबी के नारे गूंज उठे। जीआरए अरकान ने फूल निछावर करके इस्तकबाल किया। फरियाल तारपुर कहती हैं गिरफ्तारी हमारे लिए जेवर है, जदोजहद से रोका नहीं जा सकता। करप्शन रेफरेंस में नामजद साबिक सूबाई वजीर शर्जील मेमन की दरखास्त जमानत मंजूर, शर्जील मेमन सिंध असेंबली पहुंच गए। पार्टी अरकान ने पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया। इलेक्शन कमिश्नर खान की तकरारी पर डेडलॉक, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नामों पर इख्तलाफ मौजूद। हुकूमत का मेंबरान की तकरारी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला, नई मुल्क का कहना है मामले पर इत्तेफाक राय ना हो सका। ढील होगी ना ढील, ये नहीं हो सकता कि आप अरबों रुपए लूट कर कहीं माफ कर दें। फवाद चौधरी की गुफ्तगु, बोले कि प्ली बार्गेन का तरीका मौजूद है, वो जिसने लेना है ऑफर है। नून लीग को खुद समझ नहीं आ रही कि वो नून है, मीम है या शीन।